12.2 क्वेश्चन नंबर 8। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक फील्ड है स्क्वायर शेप का जिसका साइड दिया हुआ 15 मीटर और इसके कॉर्नर में एक घोड़े को बांध के रखा है और घोड़े का जो रस्सी है जो बंधा हुआ जिससे वो 5 मीटर तक जा सकता है, तो मतलब ये जो रेडियस है वो 5 मीटर का हो गया। ठीक है, और ये वन क्वाड्रेंट हो गया, ये तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने से आ जाएगा कि जो घोड़ा है वो कितना दूर तक जा सकता है। फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया इन व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू, तो इतना पार्ट में हॉर्स ग्रेज कर सकता है, फील्ड तो बहुत बड़ा है लेकिन इतना ही हिस्से में हॉर्स जा सकता है। तो ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ सेक्टर जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा हो गया 90 बाई 360 डिग्री इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस इसमें दिया हुआ है 5। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेने के लिए कहा गया है, 3.14 ले लेंगे और रेडियस है 5। ये 4 से कैंसिल हुआ तो काटेंगे 2 से, तो 25 इंटू 1.57 बाई 2। तो इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अब आगे लिखा है क्वेश्चन में, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर ये रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबा होता, सपोज यहाँ तक अगर आता, ये 10 मीटर का है, तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा उसको फाइंड करना है। तो पहले 10 मीटर के हिसाब से हम एरिया निकाल लेंगे और इससे माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर और इसका रेडियस स्क्वायर माइनस इसका रेडियस स्क्वायर करने से भी आ जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा पहला यहाँ तक का एरिया आ चुका है तो फिर यहाँ तक के एरिया को निकाल के माइनस कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ निकाल रहा हूँ, एरिया व्हेन रेडियस इज 10 मीटर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ये 4 से कैंसिल हुआ और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, 0 0 कैंसिल, तो इसको 2 से काटेंगे आएगा 157, 7 2 14, 8 2 16, 0.5 78.5 मीटर स्क्वायर इसमें आ रहा है। अब कितना इंक्रीज कर गया एरिया, इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, इसको माइनस करने से आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 78.5 19.625, ऊपर में 0 0 लगा देंगे, 5 3 7 7 8 10 8 2 5, 58.875 मीटर स्क्वायर वो आ जाएगा इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो इस तरह का एक ब्रूच बना हुआ है, इसमें भी वायर का यूज हुआ है और इसमें 5 डायमीटर बना हुआ है,
द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह से 5 डायमीटर बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट डायमीटर, सेकेंड डायमीटर, थर्ड डायमीटर, फोर्थ डायमीटर, फिफ्थ डायमीटर, 5 डायमीटर बना हुआ है, व्हिच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 10 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। द लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो दो चीज़ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो पहले लेंथ ऑफ वायर फाइंड करेंगे, तो देखो ये जो सर्कल बना है ये भी वायर से बना हुआ है, और ये जो 5 डायमीटर बना है ये भी वायर से बना है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे और साथ में जो 5 डायमीटर यहाँ पे है उसका लेंथ निकाल लेंगे, तो आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू, सर्कमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 35 मिलीमीटर का, 2 इंटू 22/7 इंटू 35 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 2 कैरी 15 17, ये 5 से कट गया, 5 2 10, 10 इंटू 20 220, 220 प्लस 175 हो जाएगा 395 मिलीमीटर का। लेकिन इसमें रेडियस जो है वो 35/2 होगा, तो 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ये 110 हो जाएगा, सॉरी, तो आ जाएगा 285 मिलीमीटर का, ठीक है। डायमीटर 35 है, रेडियस 35/2 होगा, 2 2 कैंसिल हुआ, तो ये आया 110 और ये 175, दोनों ऐड हो गया, 285 मिलीमीटर का लेंथ हो गया वायर का। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये 10 पार्ट में डिवाइड है, तो एंगल कितना फॉर्म होगा, सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ, एंगल फॉर्म्ड इक्वल टू 360 को 10 से डिवाइड कर दो, 36 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है हर सेक्टर पे, एंगल फॉर्म्ड इन ईच सेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो एंगल आ गया 36/360 डिग्री इंटू 22/7, रेडियस हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2, ये 10 से कट गया, ये 5 7 जो 35, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 2 11 जो 22, 35 प्लस 35 इंटू 11 हो जाएगा 385, और 2 2 जो 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं, या डायरेक्ट इसी को रख देते हैं, आंसर कोई दिक्कत नहीं है, मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो अम्ब्रेला का ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से दिखेगा, लगभग 8 रिब्स में ये बटा हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कुछ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर 360 डिग्री बाई 8, 4 8 जो 32, 5 8 जो 40,
45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू थीटा बाय 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें रेडियस 45 दिया हुआ है, पाई का होल 22/7 ही लेंगे, 45/360 डिग्री इंटू 22/7 और रेडियस दिया हुआ है 45। ठीक है, तो ये 8 से कट जाएगा और 4 2 8 11 2 22 तो ये आ गया 495/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार हैज़ टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। तो कार में जैसे वाइपर रहता है पानी को साफ करने के लिए या धूल को साफ करने के लिए सामने के ग्लास में, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो एक बार जैसे घूमता है तो दो वाइपर रहता है इस तरह से, ठीक है, तो एक स्वीप में कितना एरिया साफ करेगा उनको फाइंड करना है। तो एक बार ऐसे घूमेगा तो कुछ सेक्टर फॉर्म होगा इस तरह से, इसका भी कुछ सेक्टर फॉर्म होगा, तो दोनों सेक्टर के एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों सेक्टर के एरिया निकालने से अच्छा है एक सेक्टर के एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों के तो सेम सेक्टर फॉर्म होगा। तो एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड इक्वल टू 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 115/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 25 रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में मल्टीप्लाई टू। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 23 जो 115 होता है, 572 जो फिर ये आ जाएगा 2 × 36 18 2 11 जा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 × 11 × 25 × 25 हो जाएगा 625, और तो कुछ ऊपर बचा नहीं नीचे बचा है 17 18 × 7 23 × 11 हो जाएगा 253, और उसमें 625 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15 25 26 ये हो जाएगा 6 50 6 3 18 5 6 30 +1 31 3 carry 12 15 तो 5 2 10 11 7 8 5 1 1 5 8 1 2 5 1 5 8 1 2 5 अपॉन 18 × 7 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए लाइट कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स वेयर शिप्स आर वार्न। तो इस तरह से अगर लाइट फॉर्म हो रहा है, सपोज तो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 80 डिग्री का और इसका रेडियस हो जाएगा 16.5 के एरिया तक उसका रेड लाइट जा रहा है, हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 60 डिग्री पाई आर स्क्वायर
थीटा यहाँ पे आ गया 80 डिग्री बाई 360 इंटू 23.14 निकले कहा गया है 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 जीरो जीरो कैंसिल 4 2 8 9 4 36 और ये 3 से कट जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 5.5 फिर से कट जाएगा 3 से 5.5 तो आंसर आ जाएगा 2 × 3.14 × 5.5 × 5.5। तो देखते हैं कितना आ रहा है आंसर मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 628 628 55 5 8 40 5 8 5 2 10 + 4 14 5 6 30 + 1 31 3 1 4 0 0 4 5 4 3। अब इसमें फिर 5.5 मल्टीप्लाई करना है 5 0 0 5 4 20 25 27 2 carry 20 22 17 यहाँ पे आ जाएगा 0 0 7 2 7 1 0 0 7 9 9 8 1। पॉइंट के बाद यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, चार डिजिट है तो चार डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे तो 189.97 आ जाएगा 187.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, ए राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 12.14। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह का डिजाइन है, ठीक है, इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। अगर ये सेंटर है और सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे सभी को तो कितना पार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 पार्ट में 6 सेक्टर यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल कर उसको ट्रायंगल से अगर माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा एक सेगमेंट का, और एक सेगमेंट के एरिया को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, और पूरा डिज़ाइन के एरिया से फिर 0.35 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं, एंगल फॉर्म बाय ईच सेक्टर इक्वल टू 6 सेक्टर हैं यहाँ पे तो 360/6 करेंगे 60 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म होता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का यूज़ करेंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 60 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन में √3 का वैल्यू 1.7 लेने के लिए कहा गया है, तो थीटा यहाँ पे आ गया 60 डिग्री बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 28, तो 28 × 28 माइनस 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28। फोर से कैंसिल हुआ, ये 6 से कैंसिल हुआ, 2 2 4 2 3 6 तो ऊपर में बचा 22 × 28 × 2/3 माइनस 4 7 28 1.7 × 28 × 7।
44 × 28 कर लेते हैं, 4 × 32, 32 + 3 = 35, 88, 2, 3, 4, 12। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 410.67 आ जाएगा, माइनस 1.7 × 28 × 7। तो पहले 7 से 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 119 होगा, उसको 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 9 = 72, 7 × 15, 1 × 8 = 19, 2, 3, 12, 13, 3, तो 333.2, 333.2। अब इसमें माइनस कर लेंगे 410 से, 410.67 माइनस 333.20, 77.47। ये जो एरिया आया ये एक सेगमेंट का एरिया है। अभी हमारे पास 6 सेगमेंट है और उसका कॉस्ट हमको फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन इक्वल टू 0.35 × 6 × 77.47, क्योंकि 6 सेगमेंट है तो 6 मल्टीप्लाई किया हूँ, 0.35 पर सेंटीमीटर का कॉस्ट है और एक सेगमेंट के लिए 77.47 है, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 35 करेंगे तो 6 × 5 = 33 × 210, मतलब 21 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 7747 × 21, 14, 8, 9, 14, 15, 7, 8, 6, 11, 12, और 0 यहाँ पे था तो 0 भी रह जाएगा, तो 1, 6, 2, 6, 8, 7, 0। पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देंगे, तो 126.68 अप्रोक्स आना चाहिए, इक्वल टू 162.70 रुपीज अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? तो पहला जो ऑप्शन है वो दिया है पी अपॉन 180 °(2πr). ये तो एरिया का फॉर्मूला है ही नहीं क्योंकि इसमें जो यूनिट है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर मीटर में आएगा नहीं, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है पी अपॉन 180 °(πr²। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तो एरिया का फॉर्मूला लगाया है, थीटा भी सही है थीटा का जगह पे, लेकिन नीचे में तो 360 होना चाहिए, फिर 360 नहीं है तो ये कट गया। ऑप्शन सी जो है पी बाई 360 °(2π² है × 2πr² तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला हो सकता है, एरिया का तो नहीं होगा। और बचा फोर्थ नंबर पी बाई 720 °(2πr²। तो यहाँ पर 360 नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आ जाएगा, पी बाई 360 °(πr²। दैट मीन्स थीटा का जगह तो पी कहाँ है क्वेश्चन ने, तो पी बाई 360 °(πr² आ गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।